जिले के करेरा पुलिस थाने में एक फरियादी ने अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि मेरी पत्नी भागवत सुनकर घर आ रही थी, लेकिन मेरी 6 वर्ष की मासूम बालिका रास्ते में कहीं गुम हो गई। दूसरे दिन मासूम बालिका की खेत में नग्न अवस्था में लाश मिली। इस पूरे मामले में करेरा पुलिस ने मासूम बालिका के आरोपी को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया है। बताया जाता है कि आरोपी 15 वर्ष का है और नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अश्लील वीडियो देखने का आदि था, इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। उसमें क्या सफलता मिली है, क्या कुछ मामला था? इसमें एक छोटी 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। इसमें हमारे एडिशनल सीपीटी गुड़िया, उनके साथ में एसडीओपी करेरा संजय चतुर्वेदी, करेरा डिवीजन के सारे थाना प्रभारी और शिवपुरी डिवीजन के अजय भार्गव एसडीओपी शिवपुरी और भदौरिया, उनकी टीम भी यहाँ से गई थी कि सब तरह की चीज़ों पर उन्होंने बहुत मेहनत करी। और उसमें यही बात आई कि एक बच्ची, जो बच्ची थी, जो मृतिका है, उसको उसके पास एक लड़की को देखा गया था। इसका होलिया लेने के बाद में लगातार लोगों से बातचीत की गई और सब लोगों ने जानकारी देने के बाद में कल उसको पकड़ने की सफलता मिली है। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने उसके जो कपड़े पहने हुए थे वो सारे मिले, उसने ब्लड वगैरह के निशान किए हैं। और उसने ऐसा बताया है कि उसके मेरे पास जो लड़की मिली, मिली का सफाई उफाई का काम करता था और उसके कुछ पैसे उसके पास थे। उस पैसे से उसने उसको बिस्किट लेने के नाम पर ले जाकर साइड में जो स्कूल है उसके बगल से जाके सरसों खेत में ले गया, जहाँ पे काफ़ी ऊंची सरसों थी। और उसके बाद उसने गलत काम किया। जब ब्लीडिंग हुई उसको और उन्होंने चीखने लगी तो उसने सोचा कि ये उसको गला दबा दिया और गला दबा के उसको मार दिया। उसका कहना है कि उसको ये भी था कि वो पहचान लेगी और बताएगी। नहीं, उसने गलत काम किया है तो लड़की ने विरोध किया है, जिसका अल्टर निशान उसके चेहरे वगैरह पे की निशान है और उसको ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है, उसके कपड़ों में भी ब्लीडिंग है। सर, ये आरोपी जो है किस तरह की पृष्ठभूमि का है? सर, आरोपी अभी 15 साल के 9th में पढ़ने का बता रहा है, 15-16 साल के आसपास का है और हम लोग उसका बाकी चीज़ें और पता कर रहे हैं, उसका मेडिकल वगैरह भी करा रहे हैं इस संबंध में। और लड़का जो है वो पास में ही गांव में रहता है और शरारती किस्म का है, नहीं अपना नशे की कोई बात उसमें नहीं आई है, लेकिन उसके मन इस तरह का था, कुछ पोर्न वीडियो वगैरह उसने देखे हैं, ऐसा उसका बताना था और उसकी वजह से उसके दिमाग में इस तरह की वैश्याना हरकत उसने करी है और बच्ची को वो गलत काम करने का मान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।